भारत के अलग अलग राज्यों से केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिला में आए हुए सभी अतिथि मजदूरों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनु कुमारी है, मैं जिला तिरुवनंतपुरम की असिस्टेंट कलेक्टर हूँ और फिलहाल मेरे पास जिला प्रशासन की ओर से लेबर माइग्रेंट लेबरर्स के वेलफेयर के लिए नोडल चार्ज भी है। मैं आज आपको दो तीन विशेष बातें बताना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहली बात ये है कि आप निश्चिंत रहें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन सभी एकजुट होकर आपकी देखभाल के लिए बहुत से कदम उठा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सैकड़ों कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं तिरुवनंतपुरम जिला में, साथ ही साथ सभी अतिथि मजदूरों को आइडेंटिफाई करके जगह जगह पर उनकी इनिशियल स्क्रीनिंग और हेल्थ चेकअप कराए जा रहे हैं। किसी भी तरीके के बीमारी के लक्षण पाए जाने पर उन्हें यथाउचित चिकित्सा का लाभ दिया जा रहा है और जिला प्रशासन के स्तर पर बहुत सारी टीमें गठित की गई हैं जो समय समय पर जाकर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा चलाए जाने वाले मजदूर कैंपों में, साथ ही साथ जो स्कैटर्ड मजदूरों वाले कैंप्स हैं या फिर जिला प्रशासन के द्वारा स्वयं चलाए जाने वाले कैंप्स में निरीक्षण कर रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी अपने अधिकारों के लिए आप सतर्क रहिए। इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान ना ही आपका कोई मकान मालिक आपको कमरा खाली करने के लिए मजबूर कर सकता है, ना ही वो आपसे किराए की मांग कर सकते हैं इस महीने के दौरान। साथ ही साथ अगर आप अपने किसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा प्रोवाइड किए गए अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो आपके खाने का, रहने का और आपके स्वास्थ्य आदि का सारा प्रबंध कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया जाएगा। अगर आप जिला प्रशासन के द्वारा चलाए गए कैंप में रह रहे हैं तो ये सारी सुविधाएँ आपको जिला प्रशासन प्रोवाइड कराएगा। दूसरी विशेष बात आपसे कहना चाहूँगी, आपके आसपास फैलने वाली अफवाहों पे ध्यान ना दें। और तीसरी विशेष बात कहना चाहूँगी, ये लॉकडाउन जो शुरू किया गया है ये कोरोना से फाइट करने के लिए, कोरोना की रोकथाम के लिए शुरू किया गया है। तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की, चाहे खाने से संबंधित, चाहे आपके स्वास्थ्य से संबंधित या आपकी अकोमोडेशन से संबंधित कोई भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए हुए इन नंबरों में से आप कहीं पर भी संपर्क कर सकते हैं। हम सभी आपकी सेवा में तत्पर हैं, तब तक आपसे कोऑपरेशन की उम्मीद करते हैं। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारा योगदान दीजिए।